70 नंबर। हाँ जी सहकारिता मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है उसका जो अपेक्षित सूचना अनुल्लंघन ए के साथ सभा पटल पर रखी जाती है। अध्यक्ष महोदय, जब मैंने ये सवाल लगाया था तो मैं सोच रहा था कि कोऑपरेटिव महकमा जिंदा है तो देखते हैं उसमें कितनी इंप्रूवमेंट होगी, लेकिन मंत्री जी का जवाब पढ़ा मैंने, आपके पास भी पोर्टल पे होगा, थोड़ा पढ़ लो, पंचकुल्ले का भी है इसमें। पंचकुल्ले में 114 में से सिर्फ 17 ही आदमी काम कर रहे हैं और पूरे स्टेट में 4608 में से 741 3867 वेकेंट। उसके बाद लैंड मॉर्गेज बैंक में 1799 में से 1287 वेकेंट, सिर्फ 512 काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई साजिश के तहत कोऑपरेटिव महकमा बंद करने की ऐसी चल रही हो कोई? उसके चंडीगढ़ में आपके बैंक में 593 में से 211 ही आदमी काम कर रहे हैं। गनमैन की पोस्ट पे सिर्फ 7 आदमी है पूरे हरियाणा में। कहीं सिक्योरिटी में लैप्स हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? ये गनमैन की पोस्ट है। अगर पीएनके और उसके देखोगे तो इन गरीब लोगों को भी मतलब कहीं भी गुंजाइश नहीं है कोऑपरेटिव महकमे के जिंदा होने की। मेरे को लगता है कोरोना होके वेंटिलेटर पे चला गया है। ये अपेक्स में एक सप्लीमेंट्री है, पिछले 5 साल में ही बता दो, 8 साल में तो बता नहीं पाएंगे वे कितने एमसीएल नए बनाए। और एक सबसे दुख की बात यह है कि इसके सबसे लास्ट में लिखा है जवाब के कि नई भर्ती करने का कोई प्रावधान अभी प्रस्ताव नहीं है। इसका मतलब यह है कि सदन को मान लेना चाहिए मेरे हिसाब से, तो अगर आप लोगों की कहीं जमीर जिंदा है तो कोऑपरेटिव महकमा बंद है। तो ये जवाब जो कोई जवाब है, एक डिपार्टमेंट का मंत्री भी है, इतना बड़ा खर्चा किया जा रहा है और फिर बंद करो इसको। मंत्री जी जवाब। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने कहा बात ठीक है कि काफी पोस्ट खाली है, लेकिन उसके साथ डिपार्टमेंट ने प्रयास किए कि 978 पोस्ट हमने निकाली थी 14/8/2019 को, लेकिन उसमें कोर्ट केस हो गया और कोर्ट केस के बाद इस पर रोक लग गई और ये हमने एम डीओ और जूनियर अकाउंटेंट सीनियर अकाउंटेंट सभी की पोस्टें निकाली थी एक्सेप्ट क्लास 4। जो स्टाफ कम है उसको हमने कंट्रेक्चुअल तब तक काम चलाने के लिए कंट्रेक्चुअल पे भी 2060 बंदे हमने रखे हुए हैं। 2020 तो हमने डीसीसीबी में रखे हुए और 40 हमने हेडक्वार्टर पे रखे हुए, तो 2060 हमने कंट्रेक्चुअल स्टाफ रखा हुआ काम चलाने के लिए। और दूसरी बात जो कह रहे हैं बंद करने की प्रक्रिया कुछ नहीं है, उसके अंदर हमारा जो एग्रीकल्चर बैंक है, राज्य कृषि सहकारी कृषि एंड ग्रामीण विकास बैंक है, इसके अंदर जो बिजनेस है उस बिजनेस के हिसाब से हमारा स्टाफ पूरा है और इसके अंदर आगे कोई भर्ती करने का कोई प्रोविजन नहीं है। जनाब मैं तो ये लिखा हुआ पढ़ के बता रहा हूँ, लैंड मॉर्गेज बैंक का जो हेडक्वार्टर है 232 में से सिर्फ 56 आदमी पूरा स्टेट चला रहे, तो क्या रिकवरी होती होगी, क्या लोन होते होंगे, क्या किसान को फायदा होता होगा? अगर देखो, अगर कागजों से ही, और मैंने फिर बजट के कागज निकाल के देखा, उसके अंदर भी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। उसमें यह लिखा है अपेक्स की जमीन को भंडारण के लिए, इतनी अपेक्स की जमीन कहां है? पंचायत वालों ने जमीन दे रखी है, कहां भंडारण बनाएंगे? तो टोटल लीपा पोती हो रही है अध्यक्ष जी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सरकार को कहा जाए ये कोऑपरेटिव महकमा जो है ये गरीब लोगों की और आम लोगों की रीढ़ की हड्डी है, इसको अगर खत्म करोगे तो सब खत्म हो जाओगे। ये किसान को अपेक्स में जो खाद नहीं मिलती है ना, वो भी इसी षड्यंत्र का हिस्सा है। तो आपसे मेरे को उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ इसमें करवाएंगे। जहां तक पैक्स की बात है, हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि हर गांव में पैक्स खोली जाए और उसके अंदर रिस्ट्रक्चरिंग हमारी चल रही है, और उस रिस्ट्रक्चरिंग के साथ साथ जो भी स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम डीसीसीबी में और हरको बैंक में जो भी
स्टाफ होगा वो भर्ती करेंगे और उसमें एक डेढ़ साल लगेगा जो रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है। मंत्री जी बड़े समझदार आदमी पढ़े लिखे हैं और मैं इनसे उम्मीद भी करता हूं, ये जो गृह मंत्री जी का नाम ले रहे हैं उनकी स्टेट में कोऑपरेटिव महकमा बड़े बढ़िया तरीके से चल रहा है, अब वहीं से कुछ सीख ले वरना कहीं ना कहीं टिकट ना काट दे अमित शाह जी। धन्यवाद 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 माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। एक मिनट एक ऐसा है एक बात सुनिए, सुन तो लीजिए, मैंने जो आपके काल अटेंशन आए हुए हैं ओलावृष्टि के लेकर के जो कल परसों या पिछले दिनों हुई है वो काल अटेंशन स्वीकार किए हैं, मैं आपको अभी उसकी बारी जानकारी देता हूँ, वो हमने उसमें सीए आपने जो दिए थे वो स्वीकार किए। ठीक है।